हाय ऑल महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग सीरीज प्री आर एम क्लासिक्स जहाँ पर हम प्री आर एम ओ रिलेटेड कुछ बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं एंड दिस इज वन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स गाइस एंड अगेन इसको करके आई कैन गैरेंटी दैट तुम्हें सच में मज़ा आ जाएगा सो द क्वेश्चन सेज इफ ए बी सी डी आर पॉजिटिव इंटीज विथ समी थ्री सो पॉजिटिव इंटीजर्स एंड समिक्सटी थ्री वॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी गाइज यहां पर बहुत सारे बच्चों को ये दिख रहा होगा या लग रहा होगा कि यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं हुई है कि सर सिमिट्री तो बनी नहीं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी अगर हम साइक्लिक वे में चलें तो डी ए इज अ टर्म जो सर आपने मिस आउट कर दिया है डी ए इज अ टर्म जो सर आपने मिस आउट कर दिया है तो क्या डी ए इंक्लूड होगा या नहीं होगा गाइज द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली राइट यही है इसी का ही मैक्सिमम वैल्यू बताना है तो टेढ़ा मेढा सा क्वेश्चन है देयर इज नो इन्वॉल्व एंड लेट अस ट्राई टू सी A new idea, which with which we can solve this, and uh, this question can be done in a multiple ways. I am going to teach you a new idea, uh, which you can actually apply in 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 your uh, PRM examination, or for that matter, any other examination. Uh, so we'll use geometry. Yes, we are going to use geometry here. ठीक है कुछ कुछ एरिया का कॉन्सेप्ट एंड अगेन इसको करके सच में तुम्हें मजा आ जाएगा सो सोगाइज इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू नीड टू सब्सक्राइब दिस राइट अवे एंड अगर तुम ऑलरेडी पुराने बच्चे हो तो यू नीड टू लाइक इट एज सुन एज पॉसिबल ट दी आइडिया गए सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ए प्लस डी है अगर साइक्लिक वे में करता है तो डी ए खूंता तो शायद चीजें आसान बन सकती थी बट अभी डी ए नहीं है इट इज ऑल्सो गिवन दैट ए बी सी डी आर पॉजिटिव इंटीज विदी थ्री तो दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू सिक्सटी थ्री इन चार नंबर्स का चार पॉजिटिव इंटीजर्स का समस्टी थ्री ऑफकोर्स हम हिट इन ट्रायल से ये ये ऊपर नीचे चीज़ें करके देख सकते हैं कि कब इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम आ रहा है बट अगेन वॉट इज द फुल आइडिया सो गाइज आइडिया यही है कि ए है ना वो ए जो है उसका प्रोडक्ट देखो अगर डी ए होता तो ए जो है वो बी और डी से मल्टीप्लाई हो रहा होता ए लाइक वैसे अगर सी की बात करें तो सी इज़ गेटिंग मल्टीप्लाइड सी यहाँ पर बी और डी से मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है तो ए बी और डी से सी बी और डी से और अगर हम डी की बात करें इन चारों टर्म्स को इसको भी अगर मिला दें डी की अगर हम बात करें तो डी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय सी एंड ए एंड अगर बी भी मिला दें बी को देखें सो बी इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय ए एंड सी ठीक है सो ए और सी बी और डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है बी और डी सी और ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यही एक आइडिया है जहां जिसको हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे सो द आइडिया इज लेट अस यूज ज्योमेट्री एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और हम किसी भी एक एक्सिस में किसी भी एक एक्सिस में ए और सी ड्रॉ करते हैं मुझे पता नहीं ए कितने लेंथ का है सी कितने लेंथ का है लेट ए बी अ लेंथ जो यहां पर हम डिनोट कर रहे हैं एंड लेट सी बी दिस लेंथ लाइकवाइज वाई एक्सिस में बी को डिनोट करते हैं लेट अस अज्यूम दैट बी इज दिस लेंथ एंड यहां से आगे ये लेट से डी है तो so गाइस एक एक ग्रिड सा बन रहा है लेट मी लेट मी शो इट टू यू इस तरीके से ग्रिड सा बन जाएगा सो so, एक एक्सेस में हम ए और सी ड्रॉ हैं दूसरे एक्सेस में बी और डी ड्रॉ कर रहे हैं राइट सो दिस इज इज सी दिस ए बी डी कितने भी के हो सकते हैं वी नो दैट फॉर दिस फैक्ट दैट ए प्लस सी को अगर हम लेट uh, से एक्स से डिनोट करें एंड बी प्लस डी को लेट से वाई से डिनोट करें तो हमें पता है एक्स प्लस वाई इज अ अंस्टेंट विच इज सिक्सटी थ्री बिकॉज एक्स वुड बी ए प्लस सी एंड वाई वुड बी बी प्लस डी और हमें दिया हुआ इन चारों का समी थ्री है सो एक्स प्लस वाई का वाले दिस इज वन इन्फॉर्मेशन दैट वी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इस ग्रेड के हिसाब से कहने से ए बी ए बी वुड बी दिस एरिया ध्यान से देखो लेंथ इन टू विथ सो ए बी इज दिस एरिया ओके ना बी सी बी सी की अगर हम बात करें बी सी वुड बी दिस एरिया ये एरिया एंड अगर हम सी डी की बात करें सी डी इज गोइंग टू बी दिस एरिया ये एरिया अगर हम देखें इसका लेंथ ए है विथ डी है सो दिस इज ए डी एक्चुअली सो कहने से ये चारों में अगर मैं डी एड कर देता तो यह इस रिक्टेंगल का एरिया रेक्टाइंगल या स्क्वायर जो भी बन रहा है उसका एरिया बनता अभी ये जो एरिया है दिस इज टोटल एरिया दिस इज टोटल एरिया ऑफ रिक्टल माइनस ए डी दिस एरिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी एज पर दिस डायग्राम इज द टोटल एरिया लेंथ इनटू विथ सो एक्स इनटू वाई बेसिकली एक्स इनटू वाई माइनस ए डी एंड एज पर द क्वेश्चन मुझे इस चीज को मैक्सिमाइज करना आई नीड टू मैक्सिमाइज दिस अब दिमाग लगाओ यार

या इस का एरिया देख रहा हूँ उसमें से ये ये मैं मिनिमाइज करना चाहता हूँ स्लाइड करवा सकता हूँ सो so, ऊपर नीचे साइड इसको भी राइट right साइड में और लेफ्ट साइड में स्लाइड करवा सकता हूं कंडीशन दैट जहां पर भी रुके वो इंटीग्रल लेंस पे रुके ठीक है सो so, अगर मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूं तो स्लाइड करवा रहा हूं बट रोकना है तो मुझे वहीं पर रोकना है जहां पर डी और बी इंटीजर्स हो रहे हैं सिमिलरली इसको लेफ्ट और राइट right में स्लाइड करवा रहा हूं और अगर मैं जिस भी पॉइंट पर रोकना चाहूं रोक सकता हूं प्रोवाइडेड उस पॉइंट पे ए और सी इंटीजर्स हो रहे हैं तो इस तरीके से बायोफिकेशन हो रहा है नाउ ए डी हेज टू बी मिनिमम दिस इज वेरी क्लियर टू अस गाइस कि ए डी का वैल्यू इसको मिनिमम करना है ये मिनिमम अगर ए और डी दोनों इंटीजर्स हैं तो ये मिनिमम वैल्यू वन ही होगी एंड ए इंटू डी वन है प्रोवाइडेड ए एंड डी बोथ आर इंटीजर्स तो क्लियरली

गोइंग बी डी प्लस वन वाई का वैल्यू सॉरी इज गोइंग टू बी बी प्लस वन इज गोइंग टू बी बी प्लस वन तो ये चीज हमने यहां पर देख ली एंड नोट कर ली नाउ दूसरा पार्ट मुझे एक्स वाई को भी मैक्सिमम करना है

एक्स और वाई इंटीजर्स होने चाहिए थे बिकॉज ए बी सी डी वन एन हमने प्रूफ कर ही दिया वन होंगे बी और सी भी इंटीजर्स हैं अगर बी और सी मतलब इंटीजर्स हैं तो एक्स और वाई थर्टी फाइव नहीं हो सकता सो मैक्सिम थर्टी वन पॉइंट फाइव हो रहा है बट थर्टीट फाइव अचीव नहीं हो सकता बिकॉज एक्स वाई बोथ हैव टू बी इंटीजर्स हम क्या करें जो भी थर्टी वन पॉइंट फाइव के अगल और बगल में आ, इन, सबसे नियरेस्ट इंटीज उनको लिया जाता है ठीक है इस केस में सो थर्टी वन पॉइंट फाइव के अगल और बगल में कौन कौन से वन इज थर्टी वन एंड दर्टी टू इसका मतलब ओवरऑल वन ऑफ द वैल्यूज एनी वन ऑफ द दैल्यूज थर्टी वन एंड द अदर वैल्यू इज गोइंग टू बी सो एक वैल्यू थर्टी वन होगी एक वैल्यू थर्टी टू होगी एंड यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई एंड अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्सिमम वैल्यू बहुत ही क्लियर है कि इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा दैट विल बी थर्टी वन इंटू थर्टी टू माइनस वन वन इज द एरिया ऑफ दिस

सिक्सटी वन दैट मीन्स नाइन सो नाइन इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी एंड इसको हमने ज्योमेट्री के आइडिया से प्रूव किया आई होप यू एंजॉयड दिस कॉन्सेप्ट और एक नया आइडिया है जिसको तुम अपने दिमाग में डाल सकते हो और ज़रूरत पड़ने पर इस आइडिया को एक्सप्लोर और यूज दोनों कर सकते हो और यहां पर यह भी एक चीज़ क्लियर है दैट ये 31 के लिए ए बी सी डी हुआ कितना तो दो वैल्यूज तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दी थी वन और वन है

दिस कॉ कॉन्टेंट एंड ये चीज़ आई ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में चला गया बस गया एंड इसको तुम्हें यूज़ करने की जरूरत पड़े तो यू यूज़ कर सकते हो दिस वॉज द ओनली आइडिया ऑफ यू नो स्टार्टिंग द सीरीज आई होप यू वे इन्जॉय दिस तो लाइक करना मत भूलिए नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए टेक केयर हैप्पी लर्निंग